हम नाम सभी भाइयों का आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक नया बारे है वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शंस। सो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं एंड जो भी मज़ेदार पार्ट रहेगा वीडियो का वो मैं आपसे शेयर करूंगा एंड आप भी शेयर कर सकते हैं आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ऐसे कर जाती है जो मर्द भी नहीं कर पा रहा है। रनर आपको दिया गया है इंडियन 3 करोड़ रुपीज। रनर आपको कितना दिया गया? इंडिया 3 करोड़ रुपीज। और पाकिस्तान के कितने बनते? 10 करोड़ 11 लाख 53,231 रुपए। अबे इतने पैसे होते हैं? इतने पैसे होते हैं 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो रनर आपको दिए गए WBL में। सीधा मैं ओपनली कहता हूं, अगर आपके पास अगर आपने क्रिकेट को ऐसे तबाह करना था या आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए थे ICC को तो बता देते तो ताकि बात आसान हो जाती कि ICC को सिर्फ पैसे से मतलब है, टीवी राइट से मतलब है, स्पॉन्सरशिप से मतलब है। 8 करोड़ प्लस लोगों ने WPL का फाइनल जियो सिनेमा पे देखा यार। 8 करोड़ लोगों ने यार, पाकिस्तान की 30 करोड़ की आबादी है, समझो एक तिहाई पाकिस्तानी आवाम के हिसाब से कैलकुलेशन लगा दो यार। एक साइड हमारा PSL है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना 4 करोड़ की आबादी है कराची की और वहां से 2,000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र ये है PSL के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरे छोड़े आधा कैसे करने। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी और कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। यहाँ पे आके ICC ने बेड़ा गर्क कर दिया और 10 लीग स्टार्ट करवा दी। 10 लीग की इजाजत दी क्यों आपने? इसलिए इजाजत दी ना कि पैसे बनते जाए और इंडिया के सामने आपकी हवा टाइट हो जाती है आपकी। विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की GDP उठा के जो है हमारे पाकिस्तान की है ये पूरी GDP उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। और रनर आपको दिया गया है इंडियन 3 करोड़ रुपीज। रनर आपको कितना दिया गया? इंडिया 3 करोड़ रुपीज। और पाकिस्तान के कितने बनते? 10 करोड़ 11 लाख 53,000। मुझे पता नहीं था इतना डिफरेंस। 231 रुपए। अबे इतने पैसे होते हैं? इतने पैसे होते हैं 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो रनर आपको दिए गए WBL में। और PSL के विनर को कितने दिए जाते हैं आपको पता है? PSL के विनर को दिए जाते हैं 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, जो कि इतना कम पैसा क्रिकेट में इंडिया के करीब मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 करोड़ बनते होंगे यार। अबे इतना इतना बेइज्जती ये तुम लोगों ने पाकिस्तान को सीधे सीधे नीचे दिखाने के लिए किया है। अच्छा और विनर को कितने दिए गए उसके बारे में बताओ तो भाई। 6 करोड़ विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की GDP उठा के जो है हमारे पाकिस्तान की है ये पूरी GDP उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। क्या करेंगे अगर ये जो 6 करोड़ रुपए अगर आप ये हमको डोनेट कर दे भाई हम तो कर्जा उतार लेंगे अपना सीरियसली, क्योंकि 6 करोड़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं अगर मैं आपको बताऊं? पाकिस्तान के बनते हैं ये 20 करोड़ 23 लाख 6,462 रुपए। 20 करोड़ 23 लाख 6,462 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं भाई। इतना पैसा तुम लोग लाते कहां से हो? ये विनर टीम को दिया पाकिस्तानी 20 करोड़। मेहनत करते हैं ब्रो, मेहनत रुपए मिले हैं इस विनर टीम को RCB को। ये सीधा सीधा जो है मजाक है पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि भाई पाकिस्तान में जो PSL होती है जो विनर टीम होती है उसको 8 करोड़ दिए जाते हैं और जो रनर अप होती है उसको 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और 3 करोड़ 20 लाख रुपए इंडिया का करीब बनता है मेरे ख्याल से कोई 90 लाख रुपीज। इंडिया का 90 लाख रुपीज जो है वो रनर अप को दिया जाता है PSL के अंदर। और अब भी जो लोग कहते हैं कि PSL बड़ी जबरदस्त लीग है, आउटस्टैंडिंग लीग है, घंटे की लीग है, मतलब तुम खुद सोचो इतनी सस्ती। अबे इतनी सस्ती लीग है यार हमारी, हम बार बार अपने आपको कंपेयर, हमारी तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग वालों ने हमारे जो है PSL के ऊपर जूता मार दिया, क्योंकि PSL की इतनी बेइज्जती हुई है भाई, इतनी बेइज्जती हुई है PSL की, खुद सोचो कि ये कैसे हुआ है, हाउ इज दिस पॉसिबल। PSL की विनिंग प्राइस को अगर आप देखते हो तो वो होती है 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो कि इंडिया के करीब बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 3.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए इंडिया के बनते हैं। और अगर आप बात करते हो रनर अप की PSL की तो भाई इंडिया के 90 लाख रुपीज। लानत है, बेशर्मी गिनता है। अब भी लोग कहेंगे कि भाई PSL बड़ी जबरदस्त लीग है, बड़ी आउटस्टैंडिंग लीग। भाई ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूँ PSL को नंबर वन बोलना शुरू कर दो, हमारी औकात जो है वो हमें पता चल। वैसे वो लोग पाकिस्तानी लोग ही बोलते हैं ज्यादा, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। चुके कि हमारी औकात क्या है, हम जो है सिर्फ बातें करने के लिए रह गए। जब विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखे, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत क्राउड आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्राउड नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी यह है कि PSL का फाइनल है जहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे, शादाब खान होंगे, नसीम शाह होंगे, उसामा अमीर होंगे, ये वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कुछ ओवरसीज क्रिकेटर खेल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र ये है PSL के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरे छोड़े आधा कैसे करने। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी और कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। पॉइंट अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो परेशान है कि स्टेडियम को भरा कैसे जाए।
उस टूर्नामेंट के लिए जो पाकिस्तान की पहचान माना जाता था, जो कहता था कि पाकिस्तान की जान है पाकिस्तान सुपर लीग। और दूसरा अलमिया एक ये भी है कि सुपर लीग से हमें मिला क्या, क्रिकेट की क्वालिटी थोड़ी पूरी हुई, लोग देखने नहीं आ रहे। ये बहुत से ऐसे वजूहात हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी लगी हुई है कि आखिर क्या हुआ। कल जो वो जो आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स फाइनल मैच था ना, उसमें जियो सिनेमा पे सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। और आरसीबी की टीम जब बैटिंग कर रही थी, स्मृति मंदाना जब बैटिंग कर रही थी ना, जियो सिनेमा के ऊपर 9 करोड़ लोग जो लाइव ये मैच देख रहे थे, 9 करोड़ लोग लाइव जियो सिनेमा के ऊपर ये मैच देख रहे थे। कमाल नहीं हो गया यार? एक साइड हमारा पीएसएल है, जहां पर जो वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना, 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जो स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे। बाबर आजम को पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है, और हमारे इन स्टार्स को देखने के लिए मैदान में लोग ही नहीं आते। और वहां पर इंडियन वुमेन्स खेल रही है, वुमेन्स की लीग चल रही है भाई, और उसमें स्टेडियम तो खचा खच भरा हुआ है, 20-25 हजार लोग स्टेडियम में आ रहे हैं, लेकिन साथ में लाइव एक एप्लीकेशन के ऊपर 9 करोड़ लोग जो उस मैच को देख रहे थे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इनकी? क्या अभी मैं पूछ सकता हूँ कि क्या स्मृति मंदाना, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी से फेमस और बड़ी स्टार है? वैसे अब तो बड़े बड़ों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, चैंपियन बन के जो काम कोई नहीं कर सका वो उन्होंने जो है वो आरसीबी की कप्तानी करके आरसीबी को चैंपियन बना के कर दिया है। कहने का मकसद यह है कि पीएसएल में जो क्राउड होता है ना, उसको अगर देखा जाए, और डब्ल्यूपीएल आईपीएल को छोड़े हैं, वो एक अलग लेवल पे है इस टाइम। हम डब्ल्यूपीएल की बात करें, लड़कियों की जो लीग है, उसमें अगर क्राउड देखा जाए ना, तो जमीन आसमान का जो है फर्क नजर आ रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पीएसएल सेकंड बिग लीग है? ये तो पाकिस्तानियों ने इसको उठाया हुआ है, इसका मतलब है बाकी तो आपके सामने है। और लोग जो है स्टेडियम्स में ना आने की वजूहात बहुत सारी है। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो पीएसएल का बायकॉट किया हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुड्ढे बाबे खिलाड़ी इन्होंने लाए हुए हैं, इनके रिटायर खिलाड़ी सारे इन्होंने लाए हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेडियम में फैसिलिटीज ही नहीं मिलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से हम नहीं आ रहे हैं, भाई कोई निजाम ही नहीं है वहां पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इश्यूज है वहां पर इसलिए हम नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारा झंझट होता है वहां पर, उससे गुजर के जाना पड़ता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो मैच देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता ही नहीं है, हर 2 कदम के आगे आपने इतना बड़ा जंगला लगाया होता है। व्हाट अ क्वालिटी फाइनल है, क्वालिटी टूर्नामेंट का क्वालिटी फाइनल, और क्या क्लास देखने को मिली यार। क्राउड, जिस तरह का ग्राउंड, जिस तरह की मैनेजमेंट, और जिस लेवल पे बीसीसीआई इसको लेके गया, और जय शाह का आज खुद ग्राउंड में आना, मतलब के मौजूद होना और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगवाना, पीएसएल को बीट कर देना, तो भाई डब्ल्यूबीएल के फाइनल ने रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए यार, पुराने नए सारे रिकॉर्ड पास पास करके रख दिए। डब्ल्यूबीएल की व्यूअरशिप ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया भाई, उसमें पाकिस्तान में बड़ा हम गुस्सा पाया जा रहा है, पीएसएल कोई नहीं देख रहा, डब्ल्यूपीएल की रिकॉर्ड व्यूअरशिप ने हमारी पीएसएल को बर्बाद करके रख दिया। क्राउड आया हुआ था, उसके जो नंबर्स थे क्राउड डब्ल्यूपीएल के फाइनल में यार, मतलब हम कहते हैं बाबर हमारा तो रिजवान हमारा तो ये हमारा तो वो हमारा, और वहां जो डब्ल्यूपीएल का क्राउड था इतने बड़े नंबर्स में, अंदर पीएसएल है कि भाई उसके कोई फ्री में भी फाइनल के टिकट लेने को तैयार नहीं है, जिसमें फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं, रिजवान और ये और वो हमारा सारा कुछ है, वहां कोई भी कराची के जंगले में फ्री में भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। कल वहां 25-30 हजार बंदे ने डब्ल्यूपीएल का फाइनल देखा है। ये होता है हाउसफुल यार, इस तरह से अपनी लीग्स को सक्सेसफुल किया जाता है, इस तरह से लोग सक्सेस बनाते हैं अपनी लीग को यार। 8 करोड़ प्लस लोगों ने यही था आज का रिएक्शन, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ एंड कभी मेंशन नहीं किया, लेकिन आज मेंशन कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे से बनाने के लिए। मुझे पता है अभी थोड़ा लो क्वालिटी है, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, तो मैं और अच्छा वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, राम राम भैया।